देखा आज फिर से लेट हो गई। अभी आएंगी मोहतरमा सॉरी सॉरी करते हुए, कान पकड़ेंगी और मासूम सी शक्ल बना लेंगी। मैं भी मसनूई गुस्से से घूरूंगा और हंस पड़ूंगा, बस फिर सारी गलतियां माफ। अभी तैयार हो रही होगी, बहुत देर लगती है उसे तैयार होने। वो खूबसूरत है मगर मोहब्बत उसे और भी खूबसूरत बना देती है। हमारी रगों में दौड़ते एक ही खून की मोहब्बत। अम्मी अबू खुश थे, अबू ने मिठाई भी बांटी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पैदा होने पर बांटी थी। लोग हैरान होते थे और अब तक हुए जाते हैं जब लोग आकर पूछते थे कि बेटी हुई है या बेटा, तो अम्मी कहती थी रहमत हुई। वो सर हिला के कहती थी अच्छा यानी बेटी हुई है। अम्मी फिर से कहती थी नहीं बस रहमत हुई, और यूं उसका नाम रहमत रखा। ऐसी थी हमारे घर में रहमत की आमद। मेरा वो नन्ना सा बड़ी बड़ी हैरान आंखों वाला खिलौना अब बड़ा हो गया। ये है हमारी रहमत, खूबसूरत है ना। लोग इसे देखते हैं तो हमसे हमदर्दी करते हैं और हम उन पे अफसोस करते हैं, क्योंकि हमें नाज है उस पे और उसे मान है हम पे। उसके हाथ तालियों के लिए नहीं बने और ना ही उसके पांव घुंघरुओं के लिए। इज्जत और मोहब्बत पे वो भी उतना ही हक रखती है जितना कि हम सब। इस मुआशरे के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक वो ना मर्द है ना औरत, तो ठीक है मान लिया कि नहीं है उसकी सिंफ, मगर वो इंसान है, एक मुकम्मल इंसान। कोई गुनाह नहीं था उसका यूं पैदा होना कि वो उसकी कीमत नफरत और हकारत से चुकाती। स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, सड़क पे जब उस पे आवाजें कसी जाती थी तो वो गर्दन उठा के यूं चलती थी जैसे सुना ही नहीं, मगर मैं सुनता था जो वो नहीं कहती थी। वो सवाल जो वो उस बेहिसी पे उठाती थी कि आखिर कब तक उसे और उस जैसी रहमतों को उस जुर्म की सजा दी जाएगी जो उन्होंने किया ही नहीं। अपनी ग्रेजुएशन स्पीच में गले में गोल्ड मेडल लटकाए रहमत ने चंद अल्फाज कहे थे, पता है क्या? मैं सरगोशी नहीं, गूंज हूं, मैं अफसोस नहीं, फखर, मैं आह नहीं, वाह, मैं रहमत हूं।